आज के वीडियो में हम लॉरियल प्रोफेशनल की एक्सटेंसो केयर रेंज के बारे में बात करेंगे जो स्पेशली स्ट्रेट हेयर के लिए मैजिकल वर्क करेगा। हाय गाइस, नमस्ते कैमचो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आज का जो वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। लास्ट टाइम मैंने हेयर केयर का वीडियो आपके साथ शेयर किया था और उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट आई थी कि हमने बालों में रिबॉन्डिंग करवाया है, हमने बालों में स्ट्रेटनिंग करवाया है, लेकिन उसके बाद हमारे जो बाल है ना वो झाड़ू जैसे लग रहे हैं, एकदम फ्रीजी हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। तो गाइस उसका मैं एक रीज़न बताती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे खासे पैसे खर्च करके आप रिबॉन्डिंग करवा लेते हो, स्ट्रेटनिंग करवा लेते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको केयर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके बाल फ्रीजी डैमेज इसलिए होते हैं क्योंकि ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद आप अच्छा वाला शैम्पू, कंडीशनर या फिर मास्क यूज़ नहीं कर रहे हो, सीरम यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने बालों में रिबॉन्डिंग करवाया हो, स्ट्रेटनिंग करवाया हो, तभी तो हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन जब आप बालों को वॉश करते हो ना, उसके बाद आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ही डैमेज हो जाते हैं। तो गाइस, आप जब इतनी महंगी वाली ट्रीटमेंट करवा ही रहे हो, उसके बाद भी आपको बालों की केयर करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आपको अच्छा वाला शैम्पू, अच्छा वाला कंडीशनर और अच्छा वाला मास्क या फिर सीरम यूज़ करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करता है ना ये सारे प्रोडक्ट में, वो है सीरम। हेयर सीरम आपको अप्लाई करना ही चाहिए, तो ही आपके बालों में शाइन आएगी, आपके बाल मैनेजेबल रहेंगे और आपके बाल स्ट्रेट भी लगेंगे। जैसे आपने करवाया है रिबॉन्डिंग या फिर स्ट्रेटनिंग, वैसे ही लगेंगे अगर आप सारी अच्छी वाली प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाओगे। तो मैं एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं जब 11th में पढ़ती थी ना, तब मैंने बालों में रिबॉन्डिंग करवाया था। रिबॉन्डिंग तो करवा ही था, साथ में कलर भी करवाया था, तो उसके दौरान मेरे जो बाल है ना वो बहुत ही गंदे हो चुके थे, झाड़ू जैसे हो चुके थे, मतलब बहुत ही ड्राई, बहुत ही फ्रीजी। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि अब बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करवाने के बाद कोई अच्छा वाला शैम्पू, कंडीशनर और सीरम भी यूज़ करना पड़ता है। तो गाइज, अगर आपने बालों में रिबॉन्डिंग करवाया है, स्ट्रेटनिंग करवाया है और आपको भी ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप मेरे वाली जो गलती है, जो मैंने की है, वो ना करें। अगर आपने केमिकल ट्रीटमेंट नहीं भी करवाई हो, उसके बाद भी आप बालों को स्ट्रेट करना चाहते हो, तो आज आपके साथ में अच्छा वाला एक शैम्पू, मास्क और सीरम शेयर करने वाली हूँ जो एकदम प्रोफेशनल है और वो आपके बालों की स्ट्रेटनिंग को मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। ये है लॉरियल पेरिस प्रोफेशनल का एक्सटेंशो हेयर केयर शैम्पू, मास्क एंड हेयर सीरम। गाइज, ये जो प्रोडक्ट है ना वो मुझे 5 जुलाई को मिली थी और 6 को मैंने इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपके साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आप जब इसे अब बालों को वॉश करोगे ना, उसके बाद आपके बाल जब ड्राई हो जाएंगे ना, तो सच में आपके बाल आपको इतने लाइट वेट लगेंगे, एकदम स्ट्रेट लगेंगे और फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम भी दूर होती जाएगी और डैमेज हेयर भी आपके कम्प्लीटली दूर होते जाएंगे। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, आपको भी इसे ट्राई कर लेना चाहिए। अगर आपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करवाई है ना, तो आपके लिए तो ये बेस्ट रहेगा। और आपके अगर नॉर्मल वेवी से हेयर है ना, अगर आपको स्ट्रेट हेयर पसंद है, तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, ये प्रोडक्ट को स्पेशली डिज़ाइन किया है बालों को स्ट्रेट रखने के लिए। केमिकल ट्रीट बालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा तो रहने ही वाला है, और अगर आपने नहीं करवाई है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाई है, फिर भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट बात करते हैं शैम्पू की। इसे नॉर्मल ही हमें अप्लाई करना है, जैसे हम शैम्पू अप्लाई करते हैं ना, उसी तरह से अप्लाई करना है। ये स्कैल्प से जितना भी डर्ट होगा ना, उससे रिमूव करेगा, आपके बालों में ये क्लींजर का काम करेगा और साथ में आपके बालों की क्वालिटी को भी मेंटेन रखेगा और बालों को स्ट्रेट बनाने में हेल्प करेगा। तो ये तो होगा शैम्पू का काम। तो अब मैं दिखाऊंगी मास्क कैसे यूज़ करना है। तो ये है हमारा हेयर मास्क, तो इसे भी हमें नॉर्मली जैसे हम कंडीशनर यूज़ करते हैं उसी तरह से करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपको इसे स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना है, हेयर लेंथ में ही अप्लाई करना है। ये बालों में नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और बालों की जो स्ट्रेंथ है ना उसे भी बढ़ाने में मदद करेगा। उसके बाद हमारा लास्ट जो स्टेप है उसमें हम यूज़ करने वाले हैं सीरम। सीरम हमारे बालों को मैनेजेबल बनाने में मदद करेगा और एक मस्त एक अलग सी ही आपके बालों में शाइन लेके आएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। वैसे तो हम नॉर्मली शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हैं, उसी तरह से इसे भी यूज़ करना है। तो इसे अप्लाई कैसे करना है वो तो आपको पता ही है। पहले तो हमें ऑब्वियसली शैम्पू अप्लाई करना है, तो शैम्पू अच्छे से आपकी हेयर लेंथ के हिसाब से लेकर
आपको आपके स्कैल्प में अच्छे से मसाज करना है, उसके बाद हेयर लेंथ में भी अप्लाई करना है। तो शैम्पू तो अप्लाई कर लिया, शैम्पू अप्लाई करने के बाद जब हम इसे वॉश करते हैं ना, तो जितना भी पानी बच जाता है ना बालों में, उसे इस तरह से आप निकाल लीजिए। उसके बाद आपको मास्क अप्लाई करना है, मास्क को भी आपको हेयर लेंथ में अप्लाई करना है, स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना है। जैसे हम कॉम करते हैं ना बालों में, उसी तरह से फिंगर टिप्स की हेल्प से आपको इस तरह से बालों में अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा कि आपके एक एक बालों में अच्छे से मास्क अप्लाई हो पाएगा। उसी तरह से दोनों साइड पे आप मास्क को अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद 5 मिनट वेट करें। 5 मिनट के बाद इसे नॉर्मल वाटर की हेल्प से वॉश कर दीजिए। सिंपल है। वॉश हो जाने के बाद बालों को टॉवल ड्राई करना है एंड वेट हेयर में आपको अप्लाई करना है सीरम। मैं जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको एकदम जेंटली अप्लाई करना है हेयर लेंथ में। अभी तो मेरे बाल गीले हैं, लेकिन बाल ड्राई हो जाने के बाद इसका जो मैजिक है ना, आप देख सकते हैं। आई लाइक इट। ये स्ट्रेट हेयर लवर्स के लिए तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। मेरी जो हेयर ड्रेसर है ना, उसने भी मुझे बोला था कि अगर आप बालों को नेचुरली स्ट्रेट दिखाना चाहते हो या फिर आपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करवाई है, उसके बाद बालों को मैनेजेबल रखना चाहते हो ना, तो आप ये वाली प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करें। इसीलिए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने ट्राई किया, मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी 100% आपको पसंद आने ही वाला है। तो गाइज, आप सैलून जैसे बाल स्ट्रेट घर पे ही कर सकते हैं। अगर आपको इतना सा भी मेरे पे ट्रस्ट है ना, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है सच में। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो वीडियो का प्रमोशन कर रही है, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन अगर मेरे पे ट्रस्ट है ना एक बार, तो ज़रूर ट्राई करें, आपको सच में पसंद आएगा। ये रेंज यूज़ करने के बाद आप आपके बालों को अच्छे से मैनेज भी कर पाओगे। ये बालों को हाइड्रेट रखने में भी मदद करेगा और आपके बाल ड्राई और डैमेज तो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। और हाँ, मैंने एक चीज़ भी इसमें मार्क की है कि आप जब बालों को वॉश करते हो ना, उसके दूसरे दिन आपके बाल कुछ ज़्यादा ही आपको मैनेजेबल लगेंगे। ये आप नोटिस करना, ये मैंने नोटिस किया इसलिए आपको बता रही हूँ। दूसरे दिन बाल बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल, सिल्की स्मूथ और स्ट्रेट दिखाई देंगे। तो अब बात करते हैं ये प्रोडक्ट के प्राइस की। तो पहले बात करेंगे शैम्पू के प्राइस की। तो ये आपको 250 ml में मिलेगा और इसकी प्राइस है 580 rupees। तो ये जो मास्क है वो आपको मिलेगा 196 grams में और इसकी प्राइस है 685 rupees। तो लास्ट बात करेंगे हम सीरम की। ये आपको 50 ml में मिलेगा और इसकी प्राइस है 600 rupees। तो ये तीनों प्रोडक्ट अगर आपको परचेज करनी है, तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर ली है, आप चेक कर सकते हैं। और अभी बहुत सारे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो ज़रूर चेक करें, ज़रूर यूज़ करें और आपका जो रिज़ल्ट है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।